नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं अमेरिकन सेडान के सामने जिसका नाम है होंडा एकॉर्ड। 1976 में लॉन्च हुई थी और ये 2016 का 9th जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल में एक ही मॉडल आता है जिसकी कीमत है ऑन रोड 50 लाख रुपीज़। रिकू वाडा ने डिज़ाइन की है एकॉर्ड। दुनिया में कई रोड टेस्ट के बाद एकॉर्ड को दुनिया की सबसे रिलायबल व्हीकल्स में से एक माना जाता है। 2018 से इंटरनेशनल मार्केट में एकॉर्ड की 10th जनरेशन भी आ चुकी है। लेट्स सी होंडा उसको इंडिया कब लॉन्च करेगी। होंडा ने एकॉर्ड का नाम इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है होंडा की एकॉर्ड और हारमनी की इच्छा पीपल, सोसाइटी और ऑटोमोबाइल के बीच। 1989 से यूएसए की बेस्ट सेलिंग कार है एकॉर्ड। एकॉर्ड पहली कार थी जिसको होंडा ने यूएसए में बनाया था, इसलिए ये एक अमेरिकन सेडान है। और ये एलईडी फॉग लाइट और ये क्रोम ग्रिल, होंडा का लोगो और ये हाइब्रिड सिग्नेचर ब्लू हाईलाइट में ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल और ऑटो लेवलिंग के साथ। रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं और ये सनरूफ, शार्क फिन एंटीना। ये ग्रे कलर आप देख रहे हैं, वाइट, ब्लैक और सिल्वर कलर का भी ऑप्शन है। 5 मीटर लेंथ है, 1.4 मीटर हाइट है और लगभग 1600 केजी कर्ब वेट है। और ये हैं 18 इंच के मल्टी स्पोक एल्यूमिनियम अलॉय व्हील, ट्यूबलेस रेडियल टायर्स हैं, आगे पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, मिशलिन के टायर्स हैं, बॉडी साइड मोल्डिंग है, क्रोम के साथ डोर वाइजर हैं, हाइब्रिड की बैजिंग, पावर एडजस्टेबल, रिट्रैक्टेबल और ऑटो फोल्ड हाइड्रोफिलिक आउटसाइड मिरर्स हैं, रिवर्स में ऑटो टिल्ट के साथ। और ये लेन वॉच कैमरा, आगे कॉइल स्प्रिंग के साथ मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे मल्टी लिंक के साथ कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे। आगे पीछे टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, रिमोट कंट्रोल इंजन स्टार्ट, पावर विंडोज, आउटसाइड मिरर और सनरूफ ऑप्शन है। यूएसए, इंडिया, नाइजीरिया, जापान, थाईलैंड, चाइना और मलेशिया में असेंबली होती थी एकॉर्ड की। आज सिर्फ इंडिया में ही असेंबली हो रही है एकॉर्ड की, इस वाले मॉडल की। और ये हैं हाइब्रिड सिग्नेचर ब्लू हाईलाइट में कॉम्बी टेल लैम्प, एलईडी लाइट बार्स के साथ। ये हाइब्रिड की बैजिंग, एग्जॉस्ट टेल पाइप, रियर कैमरा, होंडा का लोगो और ये डेक लिड स्पॉइलर, एकॉर्ड की बैजिंग, कूपे बॉडी स्टाइल, प्लग इन हाइब्रिड और V6 इंजन वेरिएंट्स भी आते थे बट उनको इंडिया नहीं लाया गया कभी। एक्यूरा TLX, होंडा ओडिसी और होंडा स्पाइरियोर का भी रिलेशन है एकॉर्ड से। सेफ्टी के लिए IIHS ने हाईएस्ट गुड रेटिंग और NHTSA ने 5 में से 5 स्टार्स दिए हैं एकॉर्ड को। कई कार ऑफ द ईयर अवार्ड्स भी जीते हैं एकॉर्ड ने और कई टूरिंग कार चैंपियनशिप्स में भी विनर रही है एकॉर्ड। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से बैटरी चार्ज करती है एकॉर्ड। फ्रंट इंजन और फ्रंट व्हील ड्राइव है होंडा एकॉर्ड। जी फोर्स कंट्रोल, जी कॉन बॉडी स्ट्रक्चर है एकॉर्ड का। प्रोग्रामेबल ऑटो डोर लॉक अनलॉक फीचर है। आगे पीछे एंटी रोल टॉर्जियन बार हैं। 3 ड्राइव मोड्स मिलेंगे, स्पोर्ट, ईवी और इकॉन। बॉडी स्टिफनेस और डायनेमिक हैंडलिंग के लिए होंडा की एडवांस्ड कंपैटिबिलिटी इंजीनियरिंग एस बॉडी स्ट्रक्चर है। 55.8% हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनी है एकॉर्ड की बॉडी। सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, होंडा लेन वॉच, मल्टी एंगल रियर व्यू कैमरा, इमोबिलाइजर, सिक्योरिटी अलार्म, एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम AVAS, ISOFIX
चाइल्ड सीट माउंटिंग और आगे की सीट बेल्ट्स प्री टेंशनर और लोड लिमिटर के साथ मिलेंगी। 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी होंडा देती है एकॉर्ड हाइब्रिड पे। कई मार्केट्स में होंडा एकॉर्ड को होंडा क्लैरिटी सेडान ने रिप्लेस कर लिया है, और इंटरनेशनल मार्केट में तो 10th जनरेशन आ चुकी है एकॉर्ड की, जो अभी तक इंडिया नहीं आई है। दुनिया की सबसे रिलायबल कार्स में से एक है एकॉर्ड। तो यहां आपको मिलेगी 388 लीटर की बूट स्पेस, यहां टांगने के लिए हुक दिया गया है, और ये अलॉय स्पेयर व्हील। इसको उठाएंगे तो यहां टूल किट और काफी स्पेस है। और ये स्टॉप लैंप। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। सारी पावर विंडोज में एंटी पिंच फंक्शन मिलेगा। ये एक्सरीज में लगाए हुए कर्टेन, ये वुड फिनिश, लेदर फिनिश है डोर आर्मरेस्ट पे, पावर विंडो का बटन, ये एश्ट्रे, नीचे लाइट दी गई है, और ये है आइवरी लेदर अपॉल्स्ट्री। एक्टिव नॉइज कैंसलेशन है एकॉर्ड के केबिन में। 3 हेडरेस्ट मिलेंगे। सीट के पीछे पॉकेट्स दी गई हैं, और सनरूफ मिलेगी। और ये आर्मरेस्ट, यहाँ 2 ग्लास होल्डर्स मिलेंगे। पीछे स्पीकर्स हैं। यहाँ 2 रीडिंग लाइट्स दी गई हैं, 2 AC वेंट, और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। वुड फिनिश है डैशबोर्ड पे। सेंटर कॉन्सोल पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी। इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड रैक एंड पिनियन स्टेयरिंग है। आइए अब फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पर डोर पे नीचे स्पीकर है, लाइट दी गई है, बॉटल होल्डर है, और काफ़ी स्पेस है। ट्विटर है। फोर वे पावर एडजस्टेबल मिलेगी फ्रंट पैसेंजर सीट। बैटरी को सेफ रखने के लिए 65 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो गाड़ी का। आइए ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पर भी डोर पे नीचे लाइट है, स्पीकर है, बॉटल होल्डर, और काफ़ी स्पेस है। और ये पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, डोर लॉक अनलॉक करने का बटन है, ORVM के कंट्रोल्स हैं। 2 मेमोरी सीट के फंक्शंस मिलेंगे। ट्विटर, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन। 8-way पावर एडजस्टेबल मिलेगी ड्राइवर सीट पावर लंबर सपोर्ट के साथ। आगे की सीट बेल्ट एंकर्स एडजस्टेबल मिलेंगे। पीछे से भी आप फ्रंट सीट को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये है टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कॉलम। और ये बूट और फ्यूल लिट खोलने का बटन। और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। ये बोनेट खोलने का लीवर, पेडल्स, यहाँ थोड़ी स्पेस दी गई है ड्राइवर के लिए। ये इकॉन बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, पार्किंग असिस्टेंस का बटन।
एसी वेंट और ये आर्मरेस्ट, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, एचडीएमआई का पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट है और यूएसबी के पोर्ट हैं। यहाँ साइड में थोड़ी स्पेस है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी दो ग्लास होल्डर्स हैं। ये ईवी का ड्राइव मोड और ये है इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूसली वेरिएबल ईसीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ईवी ड्राइव, हाइब्रिड ड्राइव और इंजन ड्राइव मोड्स के साथ स्पोर्ट मोड भी मिलेगा। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एशट्रे है और ये लाइटर। यहाँ पर यूएसबी पोर्ट है चार्जिंग के लिए और ये है आई डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, ये सनलाइट के हिसाब से ऑटो एडजस्ट करेगा। प्लाज्मा क्लस्टर केबिन एयर फ्रेशनेस फीचर भी मिलेगा। और ये रेड कलर में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और ये है 7 इंच का एडवांस्ड डिस्प्ले ऑडियो, हाई रेजोल्यूशन WVGA कैपेसिटिव टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ, CD, DVD, FM, रेडियो, होंडा सैटेलाइट लिंक्ड नेविगेशन, इनबिल्ट वाईफाई, वॉइस रिकॉग्निशन, USB और HDMI। ये HDMI, ब्लूटूथ, नेविगेशन, फ़ोन, ये ऑडियो मेन्यू, फोन सेटिंग्स, इन्फो, ऑडियो, क्लॉक सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग्स, कैमरा सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स हैं। CD चेंजर और ये है 7.7 इंच का TFT इंटेलिजेंट मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, ये दिखाएगा कंपास, ऑडियो, करंट ड्राइव, ट्रिप मीटर, एवरेज, रेंज, नेविगेशन मेन्यू, डिस्प्ले सेटिंग्स, यहाँ से कंट्रोल होगा। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, FM, और ये शानदार डैशबोर्ड की फिनिश और ये लॉकेबल ग्लो बॉक्स है लाइट के साथ और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, दो रीडिंग लाइट्स हैं यहाँ पे, ये सनग्लास होल्डर और ये है वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ टिल्ट फीचर के साथ। ऑटो डिमिंग डे नाइट रियर व्यू मिरर है और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ और ये है 4-spoke लेदर पियानो ब्लैक और वुड फिनिश स्टेयरिंग व्हील। ये फ़ोन के कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल, ये मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं और ये कॉम्बीमीटर के कंट्रोल्स, ये क्रूज़ कंट्रोल और ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं और ये है एडवांस्ड कॉम्बीमीटर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले स्क्रीन के साथ जो दिखाएगा ओडोमीटर, दो ट्रिप मीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, एवरेज, रेंज, एनर्जी फ्लो, पावर और चार्ज,
गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी दिखाएगा, यहाँ से कंट्रोल होगा, काफ़ी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। साइड में पावर चार्ज है, दूसरी साइड बैटरी चार्ज है। एवरेज वाइपर के कंट्रोल्स, ये लाइट के कंट्रोल्स, ये होंडा लेन वॉच कैमरा का बटन और ये पार्किंग ब्रेक। आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये है 2000cc इनलाइन फोर सिलेंडर 16 वॉल्ट DOHC i-VTEC एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन, स्पोर्ट हाइब्रिड इंटेलिजेंट मल्टी मोड ड्राइव i-MMD सिस्टम के साथ। 212 हॉर्स पावर है, 315 Nm टॉर्क है और 23 का एवरेज मिलेगा 60 लीटर के फ्यूल टैंक से। 1.3 किलोवाट आर की लिथियम आयन बैटरी है दो इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर के साथ। ये हाइब्रिड पावर ट्रेन होंडा अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी सीरीज के अंदर आती है। इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ इंजन लॉकअप क्लच भी है। पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर्स का हाइब्रिड सिस्टम है एकॉर्ड में। लोअर स्पीड्स में एकॉर्ड इलेक्ट्रिक मोटर से चलेगी, फिर स्पीड बढ़ते ही वो पेट्रोल इंजन पे स्विच कर देगी। तो कैसी लगी आपको होंडा एकॉर्ड हाइब्रिड हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।